हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा एसीलोक 150 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, एसीलोक 150 टैबलेट मेरे पास है, यह आपको मैं दिखा देता हूं। दोस्तों, यह है एसीलोक 150 टैबलेट। यह किस चीज़ में इस्तेमाल की जाती है, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है, अगर किसी वजह से आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हो या फिर इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस सब चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा अगर आप एसीलोक 150 टैबलेट को ख़रीदना चाहते हो तो आप किस तरह से इसको ख़रीदोगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं एसीलोक 150 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, यह एसीलोक 150 टैबलेट यह मुख्य रूप से पेट और आँख से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दरअसल दोस्तों, यह टैबलेट होती है एंटा एसिड होती है, जो कि पेट के अंदर बढ़ने वाले एसिड को कम करती है, ताकि एसिड की वजह से जो अपच होती है या फिर सीने के अंदर जो दर्द होता है, जलन होती है, उन सभी में यह आराम दिलाती है। यदि किसी व्यक्ति को गैस होती है तो इस दवा का इस्तेमाल करें, तुरंत ही उसे 5 से 10 मिनट के अंदर आराम मिल जाएगा। दोस्तों, एसीलोक 150 टैबलेट पेट और आँख से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी के पेट में गैस बन रही है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर किसी इंसान को उल्टी आ रही है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से उल्टी रुक जाती है। पाचन समस्या में अगर गड़बड़ी हो गई है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहता है। इसके साथ ही अगर कभी कभार सीने में जलन होती है या फिर मतलब सीने में जलन के साथ दर्द भी होता है, तो इस जलन को दूर करने के लिए एसीलोक 150 टैबलेट काफ़ी अच्छी रहती है। अल्सर को भी कुछ हद तक ठीक करने में यह फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, एक एंटा एसिड होती है, जो कि पूरी तरह से एसिड जो बढ़ा हुआ होता है बॉडी के अंदर, उसको कम करने में इस्तेमाल की जाती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों, हमेशा इस टैबलेट को आपको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से चक्कर वगैरह आने लगते हैं। अगर किसी को उल्टी की समस्या ज़्यादा हो रही है, उल्टी ज़्यादा आ रही है, तो उसमें तो यह फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से उल्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट के अंदर दर्द भी होने लगता है, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, साइड इफेक्ट की बात है तो ऐसे लोग का ज़्यादा इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना है, सिर्फ एक गोली का आपको इस्तेमाल करना है। सादा पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल करें, यह सभी प्रकार से फायदेमंद रहेगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो आपको किस तरह से ख़रीदना होगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर इसे ख़रीद सकते हैं। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।